सोनपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव बांसी बिरहना में गृह कलेश से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी लगा लकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, जिस पर चिकसाना थाना पुलिस ने मृतिका के शव का जिला आरबीएम अस्पताल में मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतिका के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी मृत बेटी सरिता के साथ उसका पति आए दिन मारपीट करता था, जिसके चलते ये घटना घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा गांव निवासी बंटू ने अपनी दो बेटियों की शादी बांसी बिरहना निवासी महेंद्र के पुत्रों के साथ की थी, जिसमें बड़ी बेटी चंद्र रेखा की शादी बंटू से हुई, वही छोटी बेटी सरिता की शादी दिनेश के साथ थी। दिनेश मेहनत मजदूरी का कार्य किया करता है। पहले वह अपनी पत्नी सरिता के साथ जयपुर रहकर कार्य करता था, लेकिन सरिता की तबीयत खराब होने पर वह वापस अपने गांव आ गया था और यहीं रहकर मजदूरी का कार्य करता था। सरिता ने स्वास्थ्य ठीक होने पर अपने पति दिनेश को वापस जयपुर चलकर वही काम करने को कहा, लेकिन दिनेश ने यही कार्य काफी कार्य होने की बात कहकर टाल दिया, जिसे लेकर दोनों में कई दिनों से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दिनेश पास के ही गांव खेमरा में मजदूरी का कार्य करने गया था, पीछे से सरिता ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली, जिस पर घर में कोहराम मच गया। सरिता के परिजन सरिता को जिला आरबीएम अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सरिता को मृत घोषित कर दिया, जिसमें मृतका का शव जिला आरबीएम अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है। वही घटना की जानकारी मृतका के पिता को दी गई है, जिनके आने के बाद चिकसाना थाना पुलिस ने मृतका के शव का जिला आरबीएम अस्पताल मोर्चरी में मेडिकल पोस्ट से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वही मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उसका दामाद दिनेश आए दिन शराब पीकर सरिता के साथ मारपीट करता था, जिसे लेकर कई बार दिनेश को समझाइश की गई कि ऐसा ना किया करे, लेकिन दिनेश पर उसका कोई असर नहीं दिखा होता था और हो सकता है कि रोज रोज की मारपीट से तंग आकर उसकी बेटी सरिता ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। लड़की वो जब रोज मारता था पीटता था रोज डेली दारू पी के कौन जय इसका गगन दिनेश रोज डेली मारता था पीटता था क्यों झगड़ा करता था दारू पी के रोज डेली मारना उसको पीटना समझाइश की आपने कभी मैंने बहुत समझाया दो तीन बार समझाया कई बार आया मेरे घर पे अरे पापा कभी ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा कभी लड़ाई नहीं होगी तो अब कितना करूँगा मैं जब तक आज क्या पता चला फिर आज तो कुछ नहीं मेरे पास फोन आया गया सीरे ऐसे लड़ेगा लड़ी तुम्हारी आपकी सीरे ऐसा जल्दी आओ किसने फोन किया आपको इन्हें देश ने करा परोसा था हमने जिनने इनने किया था इनने किया था लड़की अभी सीरे ऐसा अभी पता नहीं हॉस्पिटल में अभी फोन आया था हमारे पास सुबह 10 बजे का।